हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के मेडिकल स्टैंडर्ड से जुड़े हुए एक विवाद के बारे में। देखो, पिछले 3-4 दिनों से मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर B1 एंड बिलो या C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वालों को सपोर्ट कीजिए। जब तक मुझे पूरे मैटर का पता नहीं लगता है, मैं उस पर वीडियो नहीं बनाता हूं। अभी पूरा मैटर क्या है मेरी समझ में आया है, तो थोड़ा सा मैं आपको भी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। काफी लोगों को नहीं पता है कि ये B1 और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड का क्या विवाद चल रहा है, तो चलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बात करेंगे और शुरू से आपको बताता हूं। बेसिकली था क्या कि पहले जो वैकेंसीज थी उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ और था, और जिस टाइम पर आपके ग्रुप डी में 2 एग्जाम लागू किए गए थे उस टाइम पर मेडिकल स्टैंडर्ड में भी कुछ चेंज किए गए थे, लेकिन बाद में छात्रों के दबाव में आके मेडिकल स्टैंडर्ड पुराने वाले सेम कर दिए गए। लेकिन अभी हुआ क्या, अभी सभी जोन ने क्या किया है कि अपनी वैकेंसीज को रीडिस्ट्रीब्यूट किया है, और वैकेंसीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बहाने आप कह सकते हैं कि लो मेडिकल स्टैंडर्ड वाली जो पोस्ट थी उनमें से बहुत सारी पोस्ट को कम कर दिया गया। ठीक है, अब यहां पे नुकसान किसको हो रहा है, नुकसान उस स्टूडेंट को हो रहा है जो या तो कलर ब्लाइंडनेस का शिकार है। अब देखो, अगर किसी को कलर ब्लाइंड है तो ये बीमारी जो होती है ये किसी को जन्म के बाद नहीं होती है, जन्म से पहले ही होती है, और इस तरह की बहुत सारी बीमारी है जिनके कारण काफी सारे स्टूडेंट को मेडिकल स्टैंडर्ड लो मिला है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पे जो आपको एक पोस्ट ग्रुप डी में दी जाती है, मैं पहले भी इस टॉपिक पे बात कर चुका हूं, 3-4 चीजें होती हैं जिन्हें मिलाकर आपको एक पोस्ट मिलती है। सबसे पहले आपको क्या मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है, आपके मार्क्स कितने हैं, और उसके बाद आपकी प्रेफरेंस क्या है, ये सारी चीजें मिलकर आपको एक पोस्ट दिलाती हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं, ये स्टूडेंट ने बेसिकली अपील की है रेल मंत्रालय से, या आप कह सकते हैं सुनी वैष्णव जी से अपील की है कि जो लो मेडिकल स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनको पहले वरीयता दी जाए, उनको पोस्ट अलॉट करके बाकी बची हुई पोस्ट नॉर्मल कैंडिडेट को दी जाए। यहाँ पे मैं सही गलत की बात नहीं करूंगा, सही गलत का जो फैसला है वो आप लोग खुद कर सकते हैं, मैं आपको चीजें सारी बताने वाला हूँ। देखो, बेसिकली होता क्या है, मैं यहाँ पे 2 स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो एक स्टूडेंट राम है, एक स्टूडेंट श्याम है। राम जो है उसको मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है मान लो A2 मिला है, श्याम को मिला है C1। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि श्याम का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो लो है तो उसको पॉइंट्समैन नहीं मिल सकती, ट्रैकमैन नहीं मिल सकती, ऐसी बहुत सारी पोस्ट उसको नहीं मिल सकती। इसको जो है सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पोस्ट मिल सकती है, असिस्टेंट डिपो स्टोर की या वर्कशॉप की पोस्ट मिल सकती है। वहीं जो राम है, राम का मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, इसे सारी पोस्ट मिल सकती है। अब यहाँ पे फायदा किसको है, फायदा राम को ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे श्याम को भी फायदा हो सकता है अगर श्याम के नंबर राम से ज्यादा है। अगर यहाँ पर श्याम के नंबर राम से ज्यादा है, हाले उसका जो मेडिकल C1 है लेकिन फिर भी उसके मार्क्स ज्यादा है, प्रेफरेंस में उसने नंबर 1 पर वर्कशॉप दी है, तो पहले वर्कशॉप की पोस्ट श्याम को मिलेगी ना कि राम को। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे लो मेडिकल स्टैंडर्ड वाले जो स्टूडेंट है उनका प्रेफरेंस तो मान लेते हैं कि पहले वर्कशॉप है, लेकिन मार्क्स कम होने के कारण वो पोस्ट पहले उन स्टूडेंट को दी जा रही है जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 A2 है। तो यहां पे अगर इसको रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गलत कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर छात्रों की भावना के अनुसार इसको देखा जाए तो गलत हो रहा है, क्योंकि एक स्टूडेंट जिसको लो मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है वो कुछ ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उसमें से भी आपने कुछ पोस्ट कम कर दी है रीडिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर, तो उसको नुकसान हो रहा है। तो ये स्टूडेंट की यहां पर अपील है, मैंने आपको बताया है। अगर इसको टेक्निकली देखा जाए तो रेलवे इसमें गलत भी कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि जो पोस्ट मिलती है वो मार्क्स प्रेफरेंस मेडिकल स्टैंडर्ड के आधार पर ही मिलती है, वही वो दे रहा है। लेकिन स्टूडेंट की डिमांड है कि कुछ पर्टिकुलर पोस्ट आप जो है लो मेडिकल स्टैंडर्ड वालों को दे दे, तो छात्रों की भावनाओं के अनुसार देखा जाए उनकी डिमांड सही, हालांकि टेक्निकल तौर पे उनकी डिमांड सही नहीं है। तो फैसला आपको करना है, मैंने विवाद पूरा आपको बता दिया है कि क्या विवाद है, क्या स्टूडेंट की डिमांड है। और देखो, यहाँ पे बार बार जो स्टूडेंट कमेंट कर देगी सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की जहां तक बात है तो आप लोगों का हमेशा सपोर्ट किया हमारे चैनल ने, और सपोर्ट के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। चीजें मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके सामने कर दी हैं। अब ये जो डिमांड है अगर ये आगे लेवल तक जाती है इस पर क्या फैसला आता है तो रेलवे डिसाइड करेगा या फिर रेलवे मंत्रालय डिसाइड करेगा, हमारा काम है चीजों को आगे बढ़ाना। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये कुछ स्टूडेंट के साथ गलत भी है और टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो उसमें कुछ गलत नहीं भी है। फैसला आपको क्या करना है, आपकी इस बारे में राय जो भी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।